हेलो एंड वेलकम बैक टू omnistyles। मैं हूं नेहा और आज मैं बात करने वाली हूं सिस्का के ट्रेंड सेटर हेयर ड्रायर पर, जिसका की मॉडल नंबर है HD1610। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपको ये हेयर ड्रायर क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये इतना पसंद आया है कि मैं ये हर किसी को रिकमेंड कर सकती हूँ। इस हेयर ड्रायर में 3 सेटिंग्स आती हैं, 1 कूल एयर की और 2 हॉट एयर की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1, ये ऑफ है, स्टार है, स्टार इज़ फॉर कूल एयर, एंड 1 2 1 2 जो ऑप्शन है वो हॉट एयर के हैं इस तरीके से। और इसकी पावर जो है वो है 1200 वॉट, जिससे कि हेयर ड्राइंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही क्विक हो जाता है। मेरे बालों पे ये हार्डली 5 मिनट्स में ही मेरे पूरे बालों को ड्राई कर लेता है। वैसे तो नॉर्मली मैं एयर ड्राई ही करती हूँ अपने बालों को, लेकिन अगर कहीं जाना हो और मैंने शैम्पू किया हो और बाल नहीं सूखे हैं तो 5 मिनट में मेरा काम हो जाता है, मुझे उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये हेयर ड्रायर जो है ये बहुत पोर्टेबल है, इसका हैंडल इस तरीके से फोल्ड हो जाता है और आप इसको इजीली एक छोटे से बैग में भी कैरी कर सकते हैं। इसके संग में बहुत ही लंबी कॉर्ड मिलती है, आई थिंक 2.5 मीटर इसकी लॉन्ग कॉर्ड है, और अगर आपका स्विच बोर्ड बहुत दूर है तो आप इजीली इसके संग में भी काम कर सकते हैं। वैसे तो इस हेयर ड्रायर की जो MRP है वो है 1069 रुपीज़, लेकिन आपको ये आराम से ऑनलाइन डिस्काउंट पर मिल जाएगा। मुझे ये 769 रुपीज़ का मिला है। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप ये वाला ड्रायर खरीदना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस लिंक पर जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इस हेयर ड्रायर में ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन भी है, मतलब अगर आपने हेयर ड्रायर काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर लिया है कंटिन्यूसली और इसकी मोटर गर्म हो गई है तो इसमें ऑटो कट ऑप्शन है, वो कट हो जाएगा, मतलब कि हेयर ड्रायर आपका चलना बंद हो जाएगा और जैसे ही उसकी मोटर कूल डाउन होगी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हेयर ड्रायर की जो होती है लाइफ लॉन्ग हो जाती है और मोटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। मुझे इस हेयर ड्रायर में कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका फंक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस हेयर ड्रायर को यूज़ करते हुए, इसलिए मैं आज इसका रिव्यू आपके संग में शेयर कर रही हूँ। इसके संग में एक ये नॉजल अटैचमेंट भी आता है जो कि इस तरीके से फिक्स हो जाता है। मैं ये नॉजल अटैचमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर हेयर ड्रायर है ये मैं सिर्फ हेयर ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, कोई स्टाइलिंग के लिए यूज़ नहीं करती, तो मैंने ये वाली नॉजल आज तक यूज़ नहीं की है, तो पता नहीं किस तरीके से काम करेगी, बट हाँ, एज अ हेयर ड्रायर सिर्फ हेयर ड्राई करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इसके संग एक हुक भी है, आप इसको इजीली हैंग भी कर सकते हैं कहीं पे। तो अब जल्दी से इस हेयर ड्रायर की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, ताकि अगर आप इस हेयर ड्रायर को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बार, हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ माय चैनल्स omnistyles एंड वी ट्रैवलर, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।